चालू कर रहा हूँ। ये है रोली कॉलमैन प्रो एंटीएम। चाहे कंपटीशन छोटा हो या कंपटीशन बड़ा हो, अगर कोई एथलीट मेडल जीतता है ना, इन्होंने अभी हाल ही में मिस्टर राजस्थान जो जयपुर फिटनेस फेस्टिवल हुआ था उनके विनर है। तालियां मत रोको यार एक बार। हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अपने ट्रांसफॉर्मेशन का डे 119, डे 118 पे लापता थे। संडे था, संडे के दोनों ब्लॉग्स आप चेक करना। सुबह था अपना मैच डे क्रिकेट और सेकंड था शाम को इवनिंग में बास्केटबॉल मैच। सो अभी अपन प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी फर्स्ट मील ऑफ द डे, जिसमें अपन कंज्यूम करेंगे 1 स्कूप वे प्रोटीन, 2 बनाना एंड 30 ml मिल्क। अभी ओट्स और पानी अपन इसलिए कंज्यूम नहीं कर रहे क्योंकि आज अपना हाई कार्ब डे है, तो अच्छा चेस्ट वर्कआउट हिट करेंगे अपन आज। मे बी चेस्ट वर्कआउट, बैक वर्कआउट या लेग वर्कआउट, देखते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ी कैलोरी सरप्लस में रखी है। आपको मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, अगर आप फैट लॉस पे हैं तो बनाना कंज्यूम करना बंद कर दो, क्योंकि एक बनाना में लगभग 100 कैलोरी से ऊपर होती है। तो आपकी कैलोरी सरप्लस में ले जाने में बनाना का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। सो मैं अभी 2 बनाना कंज्यूम कर रहा हूँ, लगभग 200 कैलोरी आ जाएगी। 1 स्कूप वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहा हूँ, लगभग 130 कैलोरी आ जाएगी। और मिल्क में लगभग 50-60 कैलोरी। तो अभी मेरा लगभग 400-450 कैलोरीज का फर्स्ट मील हो गई है। सो मेरे को मेरा दिन ऐसे मैनेज करना पड़ता है। मैं दिखाता हूँ मेरी फर्स्ट मील मैं कैसे प्रिपेयर करता हूँ। सो फर्स्ट मील के लिए आज नया सप्लीमेंट चालू कर रहा हूँ। ये है रोली कॉलमैन प्रो एंटीएम। काफी ज्यादा हैवी पड़ता है, बिगिनर मत लेना, आपको पेट में ब्लोट करेगा। ये देखो यहाँ पर भी QR कोड्स हैं। QR कोड्स तो आप इसको कभी भी कैसे भी वेरीफाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये क्या होता है, बहुत ज्यादा थिक हो जाता है, और अगर आप दूध में बनाओगे तो और भी ज्यादा थिक हो जाएगा। सबसे पहले तो अपने पास खाली डब्बा है, इसमें मैं दूध डाल दिया अपन ने। उसके बाद 1 बनाना 100 कैलोरी, भाई साहब बहुत। अब 1 स्कूप वे, 1 स्कूप वे प्रोटीन, 1 और बनाना। सो मस्त इसको ग्राइंड करते हैं। शक्कर नहीं डालनी है, चीनी नहीं डालनी अपने को इसमें। एक बात और बता दूं, इस रोली कॉलमैन का टेस्ट बहुत ही घटिया होता है, बहुत ज्यादा घटिया होता है। अगर कोई बिगिनर रोली कॉलमैन ट्राई करता है ना, तो रोली कॉलमैन के बाद वो जीवन में कभी प्रोटीन ही नहीं पी पाएगा, कितना घटिया टेस्ट होता है इसका। सो अब इसको सर्व करते हैं। हाँ, एक बात और याद दिला दूं, ऑलमंड्स वॉलनट खत्म हो गए हैं इसलिए मैंने नहीं डाला, नहीं तो ऑलमंड्स 10-15 ऑलमंड्स और 3-5 वॉलनट्स यूज करता हूं मैं यूजुअली इसमें। किशमिश कभी नहीं लेनी है, किशमिश पड़ी है मेरे पास, किशमिश कभी नहीं कंज्यूम करनी है अपने को। सो ये है अपना अभी फर्स्ट मील ऑफ द डे, बनाना प्रोटीन शेक। ये सारा कचरा साफ करना पड़ेगा, नहीं तो मम्मी बहुत धोएगी। मेरी मम्मी तो धोती है, आप लोगों का पता नहीं बहुत ज्यादा, क्योंकि वीडियो बनाने के चक्कर में देखो कैसे रैपर वैपर सब पड़े हैं ना, ये सब कुछ क्लीन करके अभी निकलूंगा जिम पर। 2-3 वीडियो एडिट करनी है, अपलोड्स करनी है आप लोगों के लिए, क्रिकेट ब्लॉग और बास्केटबॉल ब्लॉग। सो उन ब्लॉग्स को भी प्यार देना। मिलते हैं अब सीधा जिम पर, बाय। हाँ, क्या बोलते हैं प्रियंका, कौन सा ऑयल लेके आना है? अरे बता तो सही, कौन सा ऑयल लेके आना है तेरे को? मेरी कसम बता तो सही। अरे बता, नहीं बताओ? अरे बता दे, ऐसे बोल दे, नहीं बताएंगे। कौन सा ऑयल? ओविल ऑयल।
सो अभी लगभग एक हो रहा है, लंच कंज्यूम नहीं किया है, दादाजी के पास जाना है कुछ काम से। अभी अब मैं YouTube चला रहा था और दोनों ब्लॉग पोस्ट कर दिए हैं। एक आएगा क्रिकेट मैच वाला 3 बजे ड्रॉप, और एक होगा रात को 8 बजे अपना बास्केटबॉल मैच। इतना प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपन ने 1.1 मिलियन मतलब 11 लाख व्यूज क्रॉस कर लिए हैं, और लगभग अपन 2100 सब्सक्राइबर से बहुत क्लोज हैं। कोशिश करेंगे ये 3000 सब्सक्राइबर की जर्नी अपन जल्दी ही पूरी कर लें, तो प्लीज सपोर्ट बनाए रखें। जो सेकंड मील मैं लूंगा, फर्स्ट की वीडियो आपको आपने देख ही ली होगी, सेकंड मील जो मैं लूंगा वो लूंगा 70 ग्राम कुक्ड राइस और लगभग 250 से 300 ग्राम चिकन। वन स्कूप वे प्रोटीन साथ लेके जाऊंगा अगर मीटिंग में मतलब दादाजी के पास जाने में लेट हो जाता है, आने में लेट हो जाता है, तो मैं वो कंज्यूम कर लूंगा जिससे मेरी भूख नहीं लगेगी और वर्कआउट के लिए मैं एकदम रेडी रहूंगा। सो निकलते हैं अभी, मिलते हैं आपसे बाद में। सो फाइनली 5 बज गए हैं अभी, और 5 बजे जस्ट मैं कुछ भी नहीं खाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी बस 1 स्कूप वे प्रोटीन कंज्यूम करूंगा और उसके बाद निकलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा कार्ब्स लोड नहीं करे हैं, दिन में लंच स्किप हो गया था, तो मैं आज आर्म्स डे हिट करने वाला हूँ। पता नहीं, वे भी ऊपर जाके मूड बन गया तो चेस्ट या बैक या लेग्स जो भी हिट कर लेंगे बड़ी मसल, बट अभी यहाँ बैठ के मुझे बहुत लो फील हो रहा है, तो मैं अभी आर्म्स हिट करूँगा सिर्फ। और क्रिकेट वाला व्लॉग को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये 1 घंटे में 50 व्यूज अपना अचीवमेंट है, सो लव यू ऑल। ऐसे ही एक्साइटिंग व्लॉग्स आते रहेंगे। गिव अवे करना है अभी, जिम में मेंबर्स नहीं आ रहे हैं तो उनका कंपटीशन करके अच्छा सा गिव अवे करने वाले हैं बहुत जल्दी। सो वो उस व्लॉग को भी प्यार देना। मिलते हैं अब सीधा वर्कआउट पे। सबसे पहले तो रवि सर है अपने अपने जिम के मेंबर, इन्होंने अभी हाल ही में मिस्टर राजस्थान जो जयपुर फिटनेस फेस्टिवल हुआ था उनके विनर है ओवरऑल कैटेगरी में भी। और शर्माने की बात नहीं है, चलो स्टार्ट। तालियां मत रोको यार, एक बार यार। जहां तक ये जाना चाहते हैं, कोई लिमिट नहीं है। सो ऑल द वेरी बेस्ट सर, अपनी का सहयोग चाहिए आगे। हमारे मेंबर्स, हमारे ट्रेनर्स, हमारे मैनेजमेंट की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब आप प्लीज केक कट कर देना। एक सर के साथ
डन विथ डे 119. आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इतना क्रिकेट वाले ब्लॉग को प्यार मिला उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद. वी आर वेरी क्लोज टू हिट 2.5K सब्सक्राइबर एंड वी ऑलरेडी क्रॉस्ड 1.1 मिलियन व्यूज ऑन आर यूट्यूब चैनल. लव यू ऑल. चाहे कॉम्पिटिशन छोटा हो या कॉम्पिटिशन बड़ा हो, अगर कोई एथलीट मेडल जीतता है ना, फील होता है कि यार जेन्युइनली, मतलब बहुत अच्छा फील होता है. मैंने ना जाने कितने कॉम्पिटिशन मतलब मैचेस जीते हैं, टूर्नामेंट जीती है, खेली है बहुत ज़्यादा, लगभग 10-12 साल खेला है वॉलीबॉल बास्केटबॉल, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है. तो आज जब मेरे को पता लगा कि उन्होंने, अपने जिम के एथलीट ने ये सब कुछ जीता है, तो आई वॉज द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन द जिम. मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि मैं ही कॉम्पिटिशन जीत के आया हूँ. सो दैट वॉज माई फीलिंग एट दैट टाइम. सो बहुत नेक्स्ट लेवल वाली फील होती है. और एक एथलीट फिटनेस लाइन में पैसा लगाता है, मेहनत लगाता है, अपनी इच्छाओं को त्यागता है, तब जाके मेडल आता है. सो ह्यूज रिस्पेक्ट टू एवरी फिटनेस इन्फ्लुएंसर या फिर फिटनेस एथलीट, भले ही वो एनहांस्ड हो या नेचुरल हो. एनहांस्ड में भी मेहनत लगती है, नेचुरल में भी मेहनत लगती है, पैसा लगता है, सब कुछ लगता है. सो कोई किसी से कोई ग्रजेज या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है. जिसका मन है वो नेचुरल रहो, जिसको परफॉर्म करना है, स्टेज पे जाना है, वो एनहेंस्ड जाओ, अपनी फील्ड में मास्टर बनो. उन्होंने किया, अपना पाथ चुना, आज वो मिस्टर राजस्थान बने हैं. वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पिटिशन उन्होंने जीता है. देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को और क्लियर कर देता हूँ. जो देखो अब मैं जस्ट बगल में खड़ा था एक एनहेंस्ड एथलीट के साथ, तो मेरे मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल आया कि यार मैं भी ये बॉडी बनाऊं, जबकि मेरे को इसमें 5 साल हो गए हैं, 4 से 5 साल. तो मैं सोचो मैं इतना मैच्योर होके अगर इस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड हो सकता हूं, तो काफ़ी बिगिनर भाई होंगे जो इस चीज़ से इतना इन्फ्लुएंस्ड हो गए होंगे कि यार हमें ऐसी बॉडी बनानी है जल्दी से जल्दी. देखो दोनों फेज अलग अलग है. नेचुरल में फिटनेस और एनहेंस्ड बॉडी बिल्डिंग अलग है. इफ़ यू आर प्लानिंग योर करियर, planning a bodybuilding as your career option, then you can think about enhancing. Okay, if you are concerned about good health or good fitness, aap natural raho, jitna zyada natural rahoge utna zyada acha rahega. Natural mein bhi body banti hai, but wo dream physique nahi ban pati, but aap fit reh sakte ho, confident reh sakte ho, aur अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो बहुत अच्छे लेवल पे भी नेचुरल में जा सकते हो. एनहांस्ड तभी जाओ, अंटिल अनलेस इसको अपना प्रोफेशन बनाना है, अपना गेम बनाना है, अपना स्पोर्ट बनाना है, तभी आप इसमें जाओ. सो दिस इज माय सजेशन फॉर ऑल द बिगिनर्स हु आर वाचिंग माय व्लॉग्स रेगुलरली. तो उनको ये एक सजेशन है. बाकी कोई भी सपोर्ट चाहिए तो एनी टाइम अवेलेबल हूँ. दिस इज माय प्रॉमिस, दिस इज माय कमिटमेंट. सो लास्ट मील ऑफ द डे मैं जो कंज्यूम, पोस्ट वर्कआउट मैंने कंज्यूम किया था 1 स्कूप वे प्रोटीन बस. अभी पोस्ट लास्ट मील ऑफ द डे मैं कंज्यूम करूंगा लगभग चिकन, 350 से 400 ग्राम चिकन, दैट्स इट. देखो वहां पर केक रखा हुआ है, अभी भी केक रखा हुआ है, बट वो केक नहीं खाना है अपने को. लास्ट जो कल चीट हुई थी आइसक्रीम, वो हो चुकी है. अब अपने को पूरा नवंबर बिल्कुल चीट नहीं करना है, खुद को थोड़ा स्ट्रांग बनाना है. सो मिलते हैं अब बाद में एक अच्छे ब्लॉग के साथ. थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए. बास्केटबॉल ब्लॉग को भी मैं जस्ट अभी देख रहा था, तो 1 घंटे में काफ़ी सही 30-40 व्यूज गए, बहुत बड़ी बात है. थैंक यू सो मच. ऐसे ही प्यार बनाए रखें, ऐसे ही वीडियोस को देखते रहें, ऐसे ब्लॉग्स को देखते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट में बताओ आपको किस टाइप के कॉन्टेंट की रिक्वायरमेंट है, आप किस टाइप का कॉन्टेंट देखना चाहते हैं. सो मिलते हैं कल ट्यूजडे को एक और अच्छे एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ. बाय, लव यू ऑल.